नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो दोस्तों 2019 में मैंने दो तीन वीडियो बनाया है बीएमटीसी बसेस के बारे में, मतलब बैंगलोर में जो बसेस चलते हैं उसके बारे में। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के यूज करके बीएमटीसी बसेस के जानकारी ले सकते हो, बस नंबर, रूट नंबर और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन। और एक वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे आप बीएमटीसी का एयरपोर्ट बसेस जो है वॉल्वो एसी बसेस है उसको लेके एयरपोर्ट पहुंच सकते हो या फिर एयरपोर्ट से सिटी के अंदर आ सकते हो बहुत ही कम पैसे में। तो उसी सब वीडियो का नीचे कमेंट्स आ रहा है कि भैया बीएमटीसी बसेस के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दीजिए, तो मैं एक्चुअली आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आज देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो दोस्तों, बीएमटीसी का फुल फॉर्म है बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बीएमटीसी चलाते हैं। इसका गठन हुआ था 1997 में। इसका पैरेंट कंपनी जो है केआरसीटीसी है, मतलब कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो 1948 में बना था उसी ने 1997 में बीएमटीसी का भी गठन किया है। तो दोस्तों बीएमटीसी के पास दोनों टाइप के बसेस है, फिलहाल एसी वोल्वो बसेस है और नॉन एसी ऑर्डिनरी बसेस है। तो कुल मिला के बीएमटीसी के पास तो लगभग 7000 के आसपास इनके पास बसेस है जो इंटरसिटी कनेक्ट करती है। उसके अलावा एयरपोर्ट भी आप इससे जा सकते हो, आ सकते हो। बीएमटीसी के पास 36,000 मैन पावर है, मतलब इनके एम्प्लॉई है। इसमें कंडक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, ऑफिसर सब लोग हो सकता है। तो दोस्तों बीएमटीसी का वेबसाइट के अनुसार डेली बेसिस में लगभग 50 लाख लोग बीएमटीसी बसेस को यूज करते हैं। और अगर बात करें बैंगलोर की पॉपुलेशन की, तो 2020 तक बैंगलोर का पॉपुलेशन था 1,27,00,000 समथिंग। तो उसी में से लगभग 50 लाख लोग डेली बीएमटीसी बसेस को यूज करते हैं। और बीएमटीसी के पास और भी एक रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्वो बसेस है, एसी बसेस। हमारा देश में जो दूसरे मेट्रो सिटीज है, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पे भी इस टाइप के बस चलते हैं, बट बीएमटीसी के पास सबसे ज्यादा एसी वॉल्वो बसेस रखने का रिकॉर्ड भी है। तो चलिए अभी बीएमटीसी का टिकट और पासेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो बीएमटीसी का जो बसेस है एसी और नॉन एसी दोनों में पास सिस्टम है, मतलब मंथली पासेस, वीकली पासेस और डेली पासेस आप ले सकते हो। उसके अलावा टिकट भी ले सकते हो। सो बीएमटीसी का जो एसी बसेस है उसका मंथली पास था, उसका प्राइस था 2300 समथिंग, अराउंड 2400। और उसका जो डेली पासेस है उसका प्राइस जो है 150 रुपये के आसपास है। और ऑर्डिनरी जो नॉन एसी बसेस है उसका मंथली बसेस का प्राइस है 1050, मतलब 1050 रुपीज़। और इसका वीकली जो बसेस है उसका प्राइस है 300 रुपीज़। और इसका डेली बसेस का प्राइस है 70 रुपीज़। और दोस्तों यहाँ पे बीएमटीसी का मंथली पास यूज करने के लिए आपके पास बीएमटीसी आईडी होना बहुत ही जरूरी है, तभी ये आपके पास को वैलिड माना जाता है। तो आपको एक बीएमटीसी आईडी बनाना होगा। तो बीएमटीसी आईडी बनाने के लिए आपको करना क्या है, बीएमटीसी का कोई भी जो डिपो है, बड़ा बस डिपो है, वहाँ पे जाना है। एक कॉपी आईडी प्रूफ, जेरोक्स, दो पासपोर्ट साइज फोटो, और आपसे लेंगे 110 रुपया। जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये फॉर्म देंगे और एक आईडी कार्ड जैसा ब्लैंक देंगे, एक्चुअली वही आईडी कार्ड है। वहाँ पे आपके नाम वगैरह खुद ही आपको लिखना होगा, सारे सीधे डिटेल जो भी वहाँ पे पूछा जाएगा। उसके अलावा और एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को भी आपको फिल करना है। फिल करके दोनों चीजें उनको देना है, उन लोग आपके आईडी प्रूफ को रख लेंगे एक कॉपी फोटो के साथ, और एक कॉपी फोटो आपके आईडी जो कार्ड अपने नाम वगैरह लिख के देंगे, उसमें स्टैम्प लगा के लैमिनेट करके आईडी कार्ड वापस देंगे। तो इस तरीके से बीएमटीसी का आईडी कार्ड कोई भी बना सकता है, चाहे कोई भी स्टेट का लोग हो, वही का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 110 रुपया का खर्चा आता है और इसका वैलिडिटी रहता है 3 ईयर्स। तो इसके जरिए आप मंथली पासेस को यूज कर सकते हो, डेली पासेस को भी यूज कर सकते हो, हर तरह के पासेस में ये वैलिड रहता है। ऐसे भी अगर आप एसी वॉल्वो बसेस के पास यूज करते हो तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट आईडी भी एक्सेप्ट करता है, बट मैं कहता हूँ कि आप अगर बना लेते हो 110 रुपये खर्चा करके, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप मतलब 3 साल तो आराम से इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बीएमटीसी स्टूडेंट्स का भी पास देते हैं, जो स्कूल या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे पास मिलता है। ये फ्री नहीं होता बट बहुत ही कम चार्जेस लेते हैं, उसके जरिए आप कॉलेज और जा सकते हो, आ सकते हो। स्पेशली आपको आपके घर जहाँ पे आप बस में चढ़ेंगे और जहाँ पे आपके कॉलेज है उतना डिस्टेंस के लिए आपको प्राइस वगैरह कैलकुलेट करके अप्रूव देंगे। और अगर उसके अलावा कोई दूसरा रूट में आप
पकड़ा जाते हो, आपको मिल जाता है आपका आईडी प्रूफ चेक करने का वक्त, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। बाकी ये काफ़ी अच्छा है, बहुत कम पैसे में आप BMTC बसेस में ट्रैवल कर सकते हो। और BMTC का मिनिमम जो टिकट है 5 रुपीज़ है और मैक्सिमम आई थिंक 30 का ही है। और BMTC का सबसे लॉन्गेस्ट रूट जो है वो 600 है, लगभग 117 किलोमीटर के 5 घंटा का टाइम, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा कभी कम भी हो जाते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हो मेजेस्टिक से, या फिर कोई से भी जा सकते हो। दूसरा जो इनका डिपो है, जोनल डिपो है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है। और इसके अलावा इनका जो 3 मेन डिपो है, ये KBS है, कैंपेगौड़ा बस स्टैंड जो मेजेस्टिक बोलते हैं, दूसरा शिवाजी नगर और तीसरा KR मार्केट। यहाँ से भी आपको एयरपोर्ट की बसेस मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट की बसेस मेजेस्टिक से मिलते हैं। उसी का प्राइस वगैरह आपको बताता हूँ। तो अब अगर मेजेस्टिक से एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो आपके लगभग 250 रुपये खर्चा करना होंगे। आप आसानी से मेजेस्टिक से एयरपोर्ट जा सकते हो। तो आपको दिन में एवरी 40 मिनट में एक बसेस मेजेस्टिक से एयरपोर्ट के लिए मिलेगा, और रात को एवरी वन आवर में एक बसेस मेजेस्टिक से एयरपोर्ट के लिए मिलता है। तो आप आसानी से एयरपोर्ट बसेस का यूज़ कर सकते हो। अगर उतना ही डिस्टेंस अगर आप कैब से जाना चाहते हो तो आपको लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा, तो काफ़ी चीप है, आप यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अगर बसेस में ट्रैवल करते हो, मतलब एयरपोर्ट जाना चाहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर ले लें। और दोस्तों अभी बात करते हैं इसका टाइमिंग का। सो BMTC का अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और 4:35 o'clock आपको कोई भी डिपो से, बड़ा डिपो से बस मिल जाता है। और रात को जो है 10 बजे इनका लास्ट ट्रिप रहता है, बट कई बार उसके बाद भी मिल जाता है, क्योंकि वो जो भी सिस्टमेटिक है उसके अकॉर्डिंग कई बार लेट हो जाता है, तो उनको ट्रिप कंप्लीट करते करते लेट भी हो जाता है, 10:30-11 भी होता है। तो ऑफिशियली टाइम इनका जो है, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जहाँ तक सुना है उनसे, तो 10 बजे रात को इसका लास्ट ट्रिप रहता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी आपके मन में किसी तरह के डाउट, सवाल और सुझाव, क्वेरी रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।